हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज ये वीडियो उनके लिए जो कि कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देख रहे हैं, चाहे उनको एडमिशन करना है डिप्लोमा के लिए। तो दोस्तों, मैं जब यहाँ मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन चाह रहा था, तो मैंने बहुत सारी कॉलेज देखी, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखे, लेकिन मतलब इतने वीडियो नहीं मिले मुझे कि उसके बारे में मैं कुछ अच्छा जान सकूँ। तो आज मैं आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हूँ, मैं आपको इसके बारे में कैंपस पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। और आप एडमिशन की तरफ आओगे तो आपको कौन सी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, मतलब कहाँ पे जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए, कहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन है वगैरह, वो सब आपको आज दिखाऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का मेन गेट देख सकते आप यहाँ पे। अभी उदय जी सामंत साहब अभी यहाँ पे विजिट करने आए थे, तो उनके अभी बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं पूरा कैंपस। ये है दोस्तों पूरा कैंपस। यहाँ पे पूरी साइकिल स्टैंड, बाइक स्टैंड है, मतलब अपने जो गाड़ियाँ और साइकिल जो है यहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं। और इधर है हमारे कॉलेज का कैंटीन, मतलब जहाँ पर कि जो डिनर अपना दोपहर का जो खाना वगैरह होते हैं वो स्टूडेंट्स वगैरह खाते हैं, और यहीं पे पूरा मतलब खाने की चीज़ें वगैरह मिलती है। और इस तरफ भी रास्ता है दोस्तों, इधर भी आपको दिखाएंगे। और इस तरफ है अभी हमारा सामने का जो स्टूडेंट सेक्शन है, एग्जाम सेक्शन है, वहाँ पर आपको दिखाते हैं सामने जाकर। तो आपको जब दोस्तों, तो ये है यहाँ पे पूरे बोर्ड्स लगे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, और मतलब आपको जो किसकी कहाँ जाना है अगर, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये है यहाँ पे सुविधान चौक, यहाँ पे मतलब भारत का झंडा हुआ मतलब लगा हुआ है, और यहाँ पे संविधान लिखा हुआ है। और आप देख सकते दोस्तों कितनी अच्छी हमारी कॉलेज है। अभी आपको हम स्टूडेंट सेक्शन वगैरह दिखाएंगे कि आपको मतलब जो स्कॉलरशिप के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वगैरह आती है आपको, उसके लिए कहाँ पे आना पड़ेगा। तो आपको इधर सीधा ही ले जाते चलते हम। और यहाँ है हमारे भारत के पहले अभियंता इंजीनियर, यहाँ पे उनकी तस्वीर लगी है, देख सकते हैं आप, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, उनको भारत रत्न मिला था। ये है हमारे अभी स्टूडेंट सेक्शन, आपको दिखाते हैं स्टूडेंट सेक्शन। तो गाइज, अगर आपको जब मतलब स्टूडेंट सेक्शन मतलब किसी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड आपको चाहिए, तो आप यहाँ से जाएंगे और इधर से फिर इस तरफ जाकर आपको फिर सामने सीधा जाना पड़ेगा, ये इस तरफ आना पड़ेगा, और यहाँ से फिर सामने जाना पड़ता है। यहाँ पे जो सामने आपको दिखा रहा है वहाँ पे देखो स्टूडेंट सेक्शन लिखा हुआ है, वहाँ पे वो नंबर वहीं पे स्टूडेंट सेक्शन है, तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी इंजीनियर की फोटो लगी है, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, तो सामने एक गेट ही है, यहाँ पे ऊपर जाना पड़ता है दूसरी मंजिल पे, पहले मंजिल पे जाना पड़ता है, और फिर वहाँ पर आपको जो एग्जाम रिलेटेड है वो सभी बातों का आपको जानने को मिलेगा। तो आप देख सकते दोस्तों, सौंदर्य के रूप में कॉलेज हमारी बहुत अच्छी है, जीपी नागपुर। दोस्तों ये है हमारा वो रूम जहाँ पर हर डिपार्टमेंट के, किसी भी डिपार्टमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं वो यही होते हैं इसी रूम के सामने। आप देखते गेट से इधर आएंगे तो सीधा यही गेट मिलता है, हर डिपार्टमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं यही होते हैं दोस्तों। और अभी आपको देखने मिलेंगी जो आपको मतलब एडमिशन के लिए आना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले इसी बिल्डिंग में आएंगे, सामने सिविल की बिल्डिंग में, जहाँ पर सबसे नीचे इलेक्ट्रिकल की बिल्डिंग है, ऊपर सिविल की, और उसके ऊपर कंप्यूटर की, मतलब तीन मंजिल की, दो मंजिल की वाली इमारत है। और आपको मतलब एडमिशन के लिए जाना है तो दूसरी मंजिल पर हमारा एडमिशन होता है, और वहीं पर सभी का एडमिशन होता है। यहाँ पर जो झंडा वंदन यहाँ पर होता है हर 26 जनवरी 15 अगस्त को, और यहाँ पे सरस्वती माता की बहुत अच्छी मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पे अभी थोड़ा डाउट होंगे, थोड़ा बंद हो गया है, यहाँ पे जो वाटर ओवर फॉल था यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया है। और यहाँ पे है दोस्तों
पानी की सुविधा, अगर आप आते हैं तो यहाँ पानी भी पी सकते हैं। और यहाँ पर है कोऑपरेटिव स्टोर, जहाँ पर आपको किताबें और जो ड्रेसेस है आपको मिलेंगी पहली बार, और फिर फाइल्स मिलती है, पेजेस मिलते हैं, वो सब आपको यही मिलेंगे। यहाँ पे जेरोक्स होती है, मतलब हर तरह की सुविधाएं आपको यहाँ मिल सकती है, मिल जाएंगी। तो आपको और दिखाते हैं दोस्तों कि जो केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, वो किधर है और मैकेनिक्स लैब किधर है। तो ये पूरी बिल्डिंग है दोस्तों, यहाँ पे सिविल के प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, तो और जो मैकेनिक्स लैब वगैरह है वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के, मतलब जिनको मैकेनिक्स है वो सभी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों। अभी आपको हम मैकेनिक्स लैब दिखाएंगे। अभी सुबह का वक्त है तो सभी कॉलेज, मतलब सभी कुछ बंद है दरवाजे वगैरह, आज शनिवार होने की वजह से अभी गेट भी बंद है। तो यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो जिस तरह ये यहाँ पे गेट है उसी तरह ऊपर भी, इसके ऊपर ये गेट है तो दरवाजा है। वहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री लैब है वो दिखाई देंगी, और सामने पूरी लैब ही है मतलब, और इधर यह है मैकेनिक्स लैब, जो वहाँ तक ये मैकेनिक्स लैब है, बहुत बड़ी लैब है। आपको अगर मैं दिखा पाऊंगा तो उधर देख सकते हैं, मैंने वीडियो में एक बार दिखा भी दिया था, ऐसी हमारी मैकेनिक्स लैब है। और आप देख सकते हैं इसका एंट्रेंस, और इस तरफ है जो हमारे सिविल है उसके जो सीमेंट्स वगैरह होते हैं वो सभी इधर रखे जाते हैं। इधर जैसे भी आओ आपको सीमेंट की सेंट आ जाएंगी, आप समझ ही जाओगे कि इधर क्या है वगैरह। आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिविल का है, और ये जो ये वाला रास्ता वो है जिस तरफ से, मतलब मैं स्टार्टिंग से आ रहा था, वो गाड़ी वाले खड़े थे, वो रास्ता ये आप देख सकते हैं, वो वाला रास्ता। और अभी इधर है कॉलेज का पिछला गेट, यहाँ पे बहुत बड़ा एक पेड़ भी है, आप देख सकते हैं। ये पूरी अभी सिविल की है, यहाँ पे मतलब पूरी जो उनके प्रैक्टिकल होते क्लासेस है सब यहीं पे है। हमारे कॉलेज का पीछे वाला गेट, और ये है उसका साइकिल स्टैंड, बाइक स्टैंड, मतलब जो भी आप यहाँ से आते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। और फिर यहाँ से हमें, इधर से मैं अभी आया था, इधर से हमने देख लिया, इधर सिविल डिपार्टमेंट वगैरह, और इधर से आपको दिखाएंगे वर्कशॉप वगैरह। दोस्तों आप भी देखेंगे कि यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्कशॉप है, जहाँ पे मशीन वगैरह होती है, जहाँ पर पढ़ाया जाता है वेल्डिंग करना, फिर कटिंग करना वगैरह सब, मतलब चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है। तो यहाँ पर भी एक पार्किंग दिया हुआ है, कार पार्किंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टडी के लिए वो कार है, वो भी मतलब पूरी ख़राब हो चुकी है, उसको खराब कर दिया गया है। और ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये भी कोई काम की नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता अभी। वहाँ पे एक मशीन भी रखी हुई है, अभी वो बोरिंग की शायद हो सकती है, वो ये मशीन बोरिंग की हो सकती है। और ये यहाँ पर जो पूरे वर्कशॉप है यहीं पे है, यहाँ पे जो बड़े बड़े गेट दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, वो गेट है वर्कशॉप, जहाँ पर कि हर काम वर्कशॉप के किए जाते हैं, कटिंग वेल्डिंग से लेकर सब तक। और आपको मतलब जो हमारे ऑटोमोबाइल का है वो उस अलग है, ये वाला दूसरा डिपार्टमेंट जहाँ पर कटिंग वगैरह सिखाई जाती है। और यहाँ पे जो शीट मेटल की जो ये था, ये यहाँ पे शॉप कर दिया, स्मिथ शॉप, वहाँ पे मतलब बहुत सारा सामान रखा हुआ है। पुरानी बिल्डिंग है, अभी वहाँ पे तो कोई रहता नहीं, वरना बंद रहती हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो दोस्तों। और यहाँ से जो रास्ता है वो यहीं से, यहाँ से भी आता है, दो रास्ते मतलब दो रास्ते हुए थे, तो एक यहाँ पे आता है और एक उधर जाता है। तो यहाँ पे सामने, हाँ इधर अभी जो ये पुरानी बिल्डिंग है ये भी बंद है, यहाँ पे जेसीबी वगैरह रखी है। और गर्ल्स हॉस्टल आपको दिखा देता हूँ, मतलब पास में नहीं जा सकते हमको, वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल्स इधर ही है, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल इधर ही है कहीं, तो भी इनको कहीं। आपको जो वो नीला बोर्ड दिखाई दे रहा है वो वाला गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ हमको जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं आपको वहाँ नहीं जा सकता। तो वहाँ पे गेट भी है उसका, और ये वाली लैब है अपनी,
मेटलर्जी लैब, यहाँ पे सोशल सामने, यहाँ पे वर्कशॉप भी है इस तरफ, फिर मेटलर्जी का गेट इस तरफ है, ये इतनी बढ़िया और बिल्डिंग भी है यहाँ पे। यहाँ पे मैकेनिकल का पूरा, जो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लैब, मतलब ये डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट। यहाँ से भी, यहाँ से एक शॉर्टकट भी है मतलब जाने का उधर के सिविल लैब में जाने का एक शॉर्टकट भी है। वहाँ पे रास्ता वो है जो यहाँ पे सिविल और कॉर्पोरेट स्टोर और स्टूडेंट सेक्शन तो था वो उधर रास्ता है, और अभी हम सामने जाएंगे। अभी मैं इस तरफ से आया, इस तरफ से अभी इधर आपको दिखाता हूँ, इधर जो हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल वो इधर है, और अभी हम सामने दिखाएंगे ऑटोमोबाइल ब्रांच और मतलब ट्रैवल्स टूरिज्म सभी ब्रांचेस वहाँ पे हैं, आपको दिखा देंगे दोस्तों। तो गाइस ये वाली है ऑटोमोबाइल पार्क, यहाँ पे ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है। यहाँ पर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है नीचे की, और उसके ऊपर ऑटोमोबाइल की है, और उसके ऊपर मेकाट्रॉनिक्स है। ये भी दो मंजिल की है इमारत, देखिए आपको बोर्ड पे भी ये, और माना जाता है कि ये वाली हमारी कॉलेज की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है जो बहुत अच्छी है और जो सबसे अच्छी। और ये है हमारे कॉलेज की बस जो अभी ख़राब हो चुकी है, वो उसको काम होने के ना वजह से। और इधर जो पुरानी गाड़ी अगर थी जो वन विभाग था उसकी, वो सभी वहाँ पे रखी हुई है, वो भी मतलब ख़राब हो चुकी है, वो कोई काम की नहीं है। और इधर है हमारा जो बॉयज हॉस्टल है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो भी बॉयज हॉस्टल यहाँ पर है। तो अभी ये मेरा बॉयज हॉस्टल है, तो यहाँ पे जो मतलब एडमिशन होने के बाद आपका बॉयज हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल में नंबर लगता है, तो आपको फिर यहाँ रहना पड़ता है। यहाँ पर जो मेस है इसी बॉयज हॉस्टल में ही मेस है, और गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ से खाना जाता है मेस का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बॉयज हॉस्टल कैसा है, अंदर से दिखाऊंगा। एक दिखाया था एक दो दिन वीडियो, आप देख सकते हैं, इसके पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बॉयज हॉस्टल भी दिखाया था। तो इसके बारे अगर आपको और बॉयज हॉस्टल के बारे में जानना है तो आप वीडियो मतलब कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं पूरी तरह से वहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन दूंगा। ये बॉयज हॉस्टल आपको अंदर से भी दिखाया था मैंने। अभी आपको जाते हैं ट्रैवल्स एंड टूरिज्म की मतलब वो, और एक बिल्डिंग है उधर सामने, वहाँ पर ले चलते। यहाँ पे MSBT का भी ऑफिस है, आपको वो भी दिखा देते। ये हमारा जो हॉस्टल है इसके अंदर जिम भी है, मेज भी है, लेकिन अभी जो जिम वगैरह है वो बंद हो चुके हैं, बंद है अभी कोरोना का कोविड था उसकी वजह से, लेकिन अभी आप जब आएंगे शायद तो आपको खुल सकता है। और सामने MSBT का ऑफिस है, यह कॉलेज का जिम है जो अभी बंद है, अभी खुला हुआ नहीं है, ये शायद ये भी खुलेगा कुछ दिनों में। अभी मतलब जो कोविड के बाद थोड़ा समय निकल हुआ देर लग जाती है, इस वजह से वो पूरा मतलब खुलने वगैरह को है। अभी सामने आपको दिखा दे, ये है MSBT महाराष्ट्र राज्य सस्ता शिक्षण मंडल, तंत्र शिक्षण मंडल है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग है, पेड़ों से गिरी हुई है, अच्छे बहुत सारे पेड़ है इसमें। हमारी कॉलेज ऐसी दोस्तों की यहाँ पे खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, बाहर के माहौल से और यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे मतलब जैसे भी आना बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और जैसे बाहर जाना हो उतना ही गंदा लगता है क्योंकि गाड़ियों का शोर वगैरह बहुत कुछ होता है दोस्तों। तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT वगैरह की सभी डिपार्टमेंट यही है दोस्तों, आपको दिखा देते हैं वो भी। तो आप इसका बोर्ड देख सकते हैं, ये भी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊपर है, आर्टिफिशियल उसके नीचे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेंट्रल लाइब्रेरी, मतलब आपको जो लाइब्रेरी है वो यही होंगी दोस्तों। सेकंड मंजिले पे जाना पड़ता है, और इस तरफ वो जो बिल्डिंग दिख रही है उधर जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगी जहाँ से बुक्स वगैरह खरीदना पड़ता है। लाइब्रेरी कार्ड, वो कॉपरेटिव स्टोर आपको जो पहले दिखाया था वहीं मिल जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जो डिपार्टमेंट है वो नीचे की ओर है दोस्तों। और अभी ये वो रास्ता है जहाँ पे हम स्टार्टिंग की थी वीडियो की, यहाँ से वो संविधान चौक है वो यहाँ पे है, और ये है हमारे कॉलेज का ग्राउंड।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। तो अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। और कोई भी आपको मतलब कोई शक है, मतलब कोई भी आपको परेशानी है कि आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे इजीली कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। मैं आपके आंसर का जरूर जवाब दूंगा, जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी कॉलेज है हमारी, ये ग्राउंड पे क्रिकेट वगैरह आप सब कुछ खेल सकते दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो गाइज आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। आपको इन्फॉर्मेशन अगर कोई चाहिए तो आप कमेंट करना, तो आपको ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकूँ। और तो चलते हैं दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करना आपके दोस्तों के साथ जो नए हैं यहाँ पर एडमिशन करना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।